शालोम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमें अपनी बुलाहट को पहचानना है। वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट आवर वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकॉन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर माय वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू। अजीजों, बहुत से मेरे व्यूवर्स ने मुझसे दरख्वास्त की कि मुझे बाकायदगी से किसी अंजीत में से डिवोशंस शुरू करनी चाहिए, तो मैं आज से आपकी फरमाइश पर अमल करने जा रहा हूँ। और आज इस दिन मैं अपने YouTube चैनल पर मुकदस मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजीत में से बाकायदगी से डिवोशंस शुरू कर रहा हूँ। उम्मीद है कि इस अंजीत के इस सफर में हम सब बरकत पाएंगे और खुदा के कलाम से अपने रोजमर्रा की तहारीक को हासिल कर सकेंगे। आमीन। जब हम मुकद्दस मत्ती की किताब खोलते हैं तो उसके पहले बाब में हमें यीशु का नसबनामा नजर आता है। अजीजों, यीशु हमशाख जो बेनसबनामा है, उसका इंसानी नसबनामा लिखने से मुकद्दस मत्ती का क्या मकसद था और ये नसबनामा हमारे लिए क्यों अहम है? इसका जवाब सीधा सा है कि ये नसबनामा हमें याद दिलाता है कि खुदा ने शुरू से ही एक मंसूबा बनाया हुआ था। उसका मंसूबा शुरू ही से ये था कि यीशु हमशाख को दुनिया के निजात दहिंदा के तौर पर भेजे। इस बात में हम खुदा की तरफ से मुकद्दस यूसुफ की बुलाहट पाते हैं। हमें मसीह की पैरवी करने के लिए खुदा की पुकार यानी उसके बुलाने पर गौर करने की तहरीक इसी बाब में मिलती है और उसका कलाम इस बुलाहट के मजमून से शुरू होता है। हम पढ़ते हैं कि खुदा ने अपने फरिश्ते को ख्वाब में यूसुफ से बात करने के लिए भेजा। 20वीं और 21वीं आयत में उससे कहा, यूसुफ दाऊद के बेटे, मरियम को अपनी बीवी बनाने से मत डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुदस की कुदरत से है। इसके हाँ बेटा होगा और तुम उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से बचाएगा। खाब से बेदार होने के बाद यूसुफ ने वैसा ही किया जैसा उसे फरिश्ते ने कहा था, क्योंकि वो खुदा के मंसूबे को किसी हद तक समझ गया था। वो जान गया था कि ये बच्चा जो पैदा होने वाला है कोई आम बच्चा ना होगा, बल्कि ये खास खास खुदा का चुनिंदा है। और फिर फरिश्ते ने उस बच्चे के बारे में जो पेशींगोई की थी उसको भी समझ गया था, क्योंकि अजीजो, इंसान सदा से गुनाह के बोझ के नीचे दबता आ रहा है और फरिश्ते की ये नवीद मुकद्दस यूसुफ के लिए खुशाइन थी, क्योंकि मसीह हमें हमारे गुनाहों से बचाने के लिए आया था, हमें गुनाह की गुलामी से आजाद करने के लिए आया था, हमारा वो बोझ जो हम उठा नहीं सकते थे उसको उठाने के लिए आया था, हमें बेगुनाही की जिंदगी देने आया था और हमें हमेशा की जिंदगी का वारिस बनाने आया था। आज अगर हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें तो सवाल ये है, क्या हम यीशु की पैरवी करते हैं? हमें अपनी बुलाहट में मुकद्दस यूसुफ की तरह जवाब देना चाहिए। हमें अपने रब की पैरवी करने की दावत पर अमल करने के लिए हमें वही करना चाहिए जैसा कि वो हमें अपने रूह कुद्स के जरिए हुक्म देता है। अगर हम उसमें रहते हैं तो वो हम में रहता है और वो अपने कलाम के जरिए हर रोज हमें तकवीयत और ईमान मोहकम अता करता है। सवाल ये है कि क्या हम खुदावन को मुकद्दस यूसुफ की तरह जवाब देते हैं या उसकी तरह अमल करते हैं, उसकी फरमानबरदारी करते हैं? आज देखिए कि बतौर मसीही शागिर्द आप खुदावन और उसके बेटे की पैरवी किस तौर से करते हैं। इन पूछे गए सवालात पर ध्यान ज्ञान कीजिए और मैं दुआगो हूं कि खुदावन में ये दिन आपका मुबारक और बाबरकत हो। आमीन। सलामत रहिए।